Hi guys, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. So in today's video, I am going to share a makeup tutorial जो कि पुट किया मैंने अभी अपने फेस पे. So guys, ये एक cut crease makeup tutorial है. इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक cut crease makeup tutorial share किया है. और यहाँ पे मैंने again ये brown and yellow कट क्रीज किया है. सो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो गाइज चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन द वीडियो. सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जॉविस का फेस मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए. सो गाइज, अभी विंटर्स चल रहे हैं तो आप अगर अपने फेस को विदाउट मॉइस्चराइजिंग मेकअप करोगे तो आपका मेकअप पूरा क्रीज करेगा. डैट्स वाई आप अपने फेस को पहले मॉइस्चराइज कर लो. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई किया है अपने पूरे फेस पे. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये एन वाई बे का फाउंडेशन जो कि मैंने बहुत लाइट शेड ले लिया है, बट ओके है. बट आप फाउंडेशन जब भी लो, आप अपना शेड बहुत अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि हमेशा मैं फाउंडेशन गलत शेड का ले लेती हूँ. डैट्स वाई तो देन मैंने यहाँ पे अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे भी अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन को, एज़ यू कैन सी. और मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है ये कंसीलर और इसको इससे मैं अपने अनराइज और आईज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ. सो गाइज, जहाँ भी आपको थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं, आप वहाँ पे कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो, जिससे वो हाइड हो जाएगा. देन मैंने यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी ब्लेंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है ये कॉम्पैक्ट जो कि मेबलिन का कॉम्पैक्ट है, और इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने फेस को सेट नहीं करोगे तो आपका फेस मेकअप क्रीज करेगा. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे ये हुरा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट लिया है जो कि ऑब्सेशन पैलेट है, और इसमें से मैं एक ब्राउन शेड को पिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रश. सो गाइज, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अपने आईज से बाहर तक आई शैडो को अप्लाई कर रही हूँ. जैसे आप एक विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ करते हैं, जस्ट वैसे ही यहाँ पे आपको अपने आई शैडो को करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कट क्रीज अभी करूँगी. डैट्स वाई सेम मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने दूसरे आईज में भी कर लिया. सो गाइज, इसको ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मेकअप को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. गाइज, मुझे इस मेकअप को करने में बहुत टाइम लगा था. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर, लिक्विड कंसीलर और एक फ्लैट शेडर ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कट क्रीज कर रही हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए था आई शेडो, बट वहाँ से मैं एक जस्ट वहीं से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंसीलर, जिससे मैं जो कलर अप्लाई करूँगी वो कलर अच्छे से स्टिक हो जाए और वो कलर अच्छे से दिखाई दे. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे सेम ब्रश की हेल्प से येलो शेड को पिक किया है, और जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था जस्ट वहाँ पे और उसके नीचे मैं येलो शेड अप्लाई कर रही हूँ. सो गाइज, इस मेकअप को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आप इसको स्लोली स्लोली बिल्डअप करो, क्योंकि अगर आप फास्ट करोगे तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा. डैट्स वाई नेक्स्ट मैंने सेम यहाँ पे अपने दूसरे आईज में भी कर लिया है कट क्रीज, और मैं सेम कलर अप्लाई करूँगी येलो कलर, और जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था जस्ट और उसके नीचे. सो गाइज, मैंने यहाँ पे पैलेट चेंज कर लिया है, बिकॉज उस पैलेट में जो शेड है वो गाइज वो मस्टर्ड येलो, और मुझे यहाँ पे लेमन येलो चाहिए था. डैट्स वाई मैंने यहाँ पे पैलेट चेंज कर लिया है. नेक्स्ट गाइज, मैंने वो सेम पैलेट लिया और मैं यहाँ पे एज अ आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ अपने आई शेडो को. सो गाइज, आपको आई शेडो अप्लाई करना है, बट आप जैसे आई लाइनर ड्रॉ करते हो जस्ट वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, बट आपको आई शेडो अप्लाई करना है, और बीच में हमारा येलो शेड है एंड ऊपर और नीचे हमारा ब्राउन शेड है, जिसको मैंने एज अ आई लाइनर ड्रॉ किया एक थिक विंग्ड आई लाइनर, और जस्ट मैंने उसके भी ऊपर एक कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे मैं फिर से सेम येलो शेड को पैड करूँगी, जिससे जो हमारा शेड है वो अच्छे से दिखाई दे कंसीलर लगाने के बाद, एज़ यू कैन सी. तो गाइज, मैं यहाँ पे सेम ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ इस शेड को, एज यू कैन सी. नेक्स्ट गाइज, हमें इस आई मेकअप को थोड़ा आउटवर्ड में बाहर लेके लेते हुए जाना है और इसको अप्लाई करना है. नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लिया है जिसके हेल्प से मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ.
जिसको मैंने अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड है ये, और जस्ट मैं यहाँ पे लोअर लैसेस पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट गाइज, मैंने सेम पैलेट से यहाँ पे एक गोल्डन शेड लिया और जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा लेंसेज वेयर कर लिया है और मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रश, फ्लैट ब्रश। नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे लिया ये NYBA का रनवे, जिसको मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और एक ब्लशर ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। एज यू कैन सी गाइज, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग विद द हेल्प ऑफ बिग फ्रैन ब्रश। सो गाइज, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज, मैं यहाँ पे अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रे कलर, जो कि मेरे आई शेडो पैलेट से ग्रे शेड मैंने पिक किया है, और उससे मैंने अपने ब्राउज को फिल कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रश। नेक्स्ट गाइज, मैंने यहाँ पे एक जेली हाइलाइटर लिया है जो कि मियोन का जेली हाइलाइटर है, और इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे, नॉट पूरे फेस पे, अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, अपर चीक्स, नोज, अपर लिप्स, ब्राउ बोन। सो गाइज, अब अगर आप जेली हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो आप मेक श्योर उसको अपने हैंड से अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप उसको अपने ब्रश से अप्लाई करोगे तो अच्छे से ब्लेंड आउट नहीं होगा और पैची दिखेगा, डैट्स वाई। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ये ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना है, डैट्स वाई मैं यहाँ पे अपने ब्यूटी बोन और कॉलर बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, और ब्राउ बोन को भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट गाइज, लिपस्टिक। तो गाइज, लिपस्टिक के लिए मैंने ये बुलेट लिपस्टिक लिया है जो कि एक न्यूड शेड है, बट मुझे ये लिपस्टिक उतनी पसंद नहीं आई, तो मैंने दूसरी लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। ये लिपस्टिक मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी तो मैंने यहाँ पे दूसरी लिपस्टिक अप्लाई कर लिया ऑफ कैमरा। सो गाइज, ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ बाय बाय।